नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल साइंस के इस कार्यक्रम में जो कि है नवी कक्षा के सभी छात्रों के लिए। आप हमें इस वक्त देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 पर और आज हम बातचीत करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर। कितने फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आज हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ जो मौजूद है हमारे स्टूडियो में वो आपको इन सब के बारे में बताएंगी। तो आइए आपका परिचय करवाते हैं प्रोफेसर अनीता नूना से। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, नमस्कार मैम। है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एनसीईआरटी नई दिल्ली से। और अगर आप चाहें तो अपने सवाल इस विषय से जुड़े हुए हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 8800440559। साथ ही साथ मेल करना चाहें तो dth.class9@cit.nic.in हमारा ईमेल आईडी है। आपके सवालों का हम इंतज़ार करेंगे, 4 बजे तक मैम हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि मैम कितने फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी? देखिए, इससे पहले कि कितने फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी आपने क्लास 6, 7, 8 में ज्योग्राफी पढ़ा है और आप जान गए हैं कि इंडिया जो है ए वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है और इंडिया बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो आइए हम इंडिया का मैप देखते हैं। इंडिया का मैप देखें तो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपको वाइट कलर दिखाई दे रहा है, बीच में कहीं ग्रीन लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं आपको कोस्टल एरिया दिखाई दे रहा है और वेस्ट साइड में आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है, बीच में आपको येलो कलर भी दिखाई दे रहा है। तो जब आप मैप देखते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते हैं कि ये क्या है, ये क्यों अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो यही हमारे फिजिकल फीचर्स हैं हमारे देश के, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जी। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि कितने फिजिकल डिविजन्स हैं, देखिए अगर हम देखें फिजियोग्राफिकली हमारा देश 6 हिस्सों में बटा हुआ है। देयर आर 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स इन आर कंट्री, जिसमें पहली डिवीज़न हमारी कहलाती है हिमालयन माउंटेन्स और हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, और सेकंड डिवीज़न है नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं माउंटेनियस एरिया है और उसी के माउंटेन एरिया के साथ जुड़ा हुआ ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स है, और थर्ड पार्ट हमारा आता है पेनिनसुलर प्लेटो। अब सेंटर ऑफ द इंडिया, सेंटर में आप देख रहे हैं कहीं कहीं आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है। फिर इंडिया डेजर्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ हल्का लाइट येलो कलर दिखाई दे रहा है, वो हमारा कहलाता है इंडियन डेजर्ट। एंड फिर हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, आप ब्लू कलर देख रहे हैं, हमारे ओशंस हैं, ओशंस के साथ सटा हुआ जो एरिया है वो हमारा कोस्टल प्लेन कहलाता है। फिर इसी के साथ हमारे आइलैंड्स हैं, आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारा ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में हमारे लिखा हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो हमारा आइलैंड्स भी है। सो बेसिकली देयर आर 6 बेसिक मेजर डिविजन्स हैं फिजियोग्राफिकली इन आर कंट्री जी। सबसे पहला जो डिवीज़न है मैम, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्या आप इसके बारे में हमें और जानकारी देंगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इनकी एज के बारे में और हाइट विड्थ हर चीज़ के बारे में? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हमारे बच्चों को जितना भी हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके बारे में डिटेल से जानना चाहिए, तब कि वो इस जानकारी से अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जो पहला हमारा हिमालयन माउंटेन्स है। देखिए, जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकली कहते हैं कि ये बहुत यंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ आर कंट्री है। यंग से क्या मतलब है ना? देखिए, जियोलॉजिकली मैंने कहा यंग है, क्या हमारा जियोलॉजिकली क्या है, एक टाइम स्केल है
जो हमारे अर्थ साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं कि पृथ्वी पर कौन फीचर पहले कब आया, क्रोनोलॉजिकली ये देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं हमारा स्टेटा है कौन कब किसका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे है वो ये कहते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो यंग हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 25 to 60 million ईयर्स एगो हुआ है और इससे पहले भी हमारे जो फिजिकल फीचर्स हमारी अर्थ पे हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो लेटेस्ट हैं ये यंग कहलाते हैं, कुछ सबसे इनका बहुत ओरिजिन जो है बहुत पुराना है पर फिर भी बाकी फिजिकल फीचर से बात का है, कंपैरिजन में ये यंग हैं। और दूसरा ये वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरली हम देखें तो हमारा जो हिमालयन माउंटेन है इसका स्ट्रक्चर फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्यों फोल्ड माउंटेन्स हैं? क्योंकि ये जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन होने से जैसे जैसे होर जमाव होता गया तो जो ऊपर की लेयर थी वो आगे आगे खिसकती रही। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कपड़ा है तो कपड़े को हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो वो ऊपर फोल्ड होता चला जाता है। तो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है ये डिप्रेशन से हुआ है और इसीलिए इसको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो अभी ये जो रीजन है अगर आप मैप में देखें तो इस रीजन का मैप में देखें वेस्ट साइड में इंडस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टॉप नॉर्थ वेस्ट में इंडस है, इंडस से लेकर हमारा ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक हिमालयन माउंटेन रीजन है। और ये रीजन पूरा जो है टोटल हम देखें इसमें बहुत सारी पीक्स हैं, जगह जगह आपको पीक्स दिखाई देती हैं और ये पीक्स की हाइट इस पूरे रीजन में सभी पीक्स की हाइट मोर देन 7,620 मीटर्स तक है। तो ये पूरा रीजन जो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक है कहीं हाई माउंटेंस हैं कहीं लोअर माउंटेंस हैं लेकिन तकरीबन सभी की जो हाइट है सभी पीक्स की हाइट मोर देन 7,620 है। और दे फॉर्म एन आर्क, आप देख रहे हैं कि ये इसका हिमालयन माउंटेंस का शेप जो है वो इस तरीके से चल रहा है। आप देखिए आर्क, आर्क शेप में अगर हम ऐसे बताएं कि आप देख रहे हैं कि ऐसे आर्क, एक आर्क है ऐसे इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ऐसे आर्क शेप में जा रहा है। तो हिमालयन जो हमारा माउंटेन है इसका आर्क शेप है और इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये आर्क शेप का जो डिस्टेंस है नियरली अबाउट 2,400 किलोमीटर है। इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक अगर हम इसका डिस्टेंस देखें इस आर्क का अबाउट 2,400 किलोमीटर है। अब अगर हम इसकी विड्थ देखें, विड्थ भी इसकी वेरी करती है, कश्मीर रीजन में इसकी विड्थ 400 किलोमीटर तक है और अरुणाचल तक पहुंचते पहुंचते हिमालयन माउंटेन रीजन की जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर तक रह जाती है क्योंकि ये आर्क शेप है, आर्क शेप है। तो ऐसे इसका जस ऐसे आर्क शेप चल रहा है तो हिमालय का जो टॉप पार्ट है यहाँ 400 किलोमीटर है तो धीरे 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 ब्रह्मपुत्रा तक पहुँचते हुए इसकी 150 किलोमीटर तक रह जाती है। तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो इसके बारे में हमारे बच्चों को हम डिस्कशन करेंगे। तो अब आर्टिट्यूडनल अगर वेरिएशन हम इसकी देखें, आप देख रहे हैं कि आर्क हिंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक है तो जो बीच का पार्ट है ईस्टर्न नेपाल के पास ईस्ट साइड इसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन वेस्टर्न हाफ की हाइट जो है वो कम है। तो ये जो माउंटेन हम कह सकते हैं हिमालयन माउंटेन, अब ये लॉन्गिट्यूडनल हम कहते हैं कि इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो है डिवीजन है इसमें देर आर थ्री पैरेलल रेंजेस हैं। तो वो जो थ्री पैरेलल रेंजेस हैं उसके बारे में बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि वो थ्री पैरेलल रेंजेस क्या हैं जो इस आर्क में लॉन्गिट्यूडनल एक इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक हैं। तो अगर हम देखें तो देर आर थ्री रेंजेस एंड दीज थ्री रेंजेस आर, पहली है हमारी नदरन रेंज, हम इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, हम इसको हिमाद्री भी कहते हैं और दूसरी हमारी है लेसर हिमालय और तीसरा है आउटर मोस्ट रेंज। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि हिमाद्री जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरीके से वो फैला हुआ है। देखिए अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें, हिमाद्री की बात करें, यहाँ हम देखते हैं कि तकरीबन बर्फ़ से ढकी हुई हमें ऊंची ऊंची पीक दिखाई देती हैं,
ये हमारा एक स्नो अवार्ड कहलाता है, और लार्ज वैली ग्लेशियर्स हैं, डीप फॉरेस्ट हैं, डीप वाटरफॉल्स हैं, तो ये पूरा जो गॉर्जेस हैं तो ये अलोंग विद द डीप फॉरेस्ट एरिया है, बहुत थिक, बहुत हम कह सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट एरिया है, है ना। और इसी के साथ साथ ये जो माउंटेन रेंज है हमारा ग्रेटर वाला, ये कॉन्टीन्यूस रेंज है, आपको ब्रेक कम दिखाई देता है, कॉन्टीन्यूस रेंज है, इधर से चला आ रहा है इधर, जबकि आगे जाके थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेच कहीं कम भी दिखाई देता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस एक रेंज है जो कि बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से, मतलब हम कह सकते हैं कि माउंटेन है, माउंटेन की टॉप लॉफ्टीएस्ट पीक हमको इस रेंज में दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, है ना। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज हाइट इसमें जितना भी माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक है। मैंने बताया कि जैसे हम ईस्ट से हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट तक, टोटल अगर देखें माउंटेन रेंजेस हमारी सभी की 7620 से है, तो एवरेज हाइट अगर हम देखें सबकी 6000 मीटर से अबव है। अब इसमें जो कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं इस रेंजर में, तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जैसे कि उनकी किताब में भी दिया है कि सम इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं इस रीजन में 10 हैं। पहली उसमें है माउंट एवरेस्ट, तो साथ में हमने सेकंड कॉलम में दिया है कि वो किस कंट्री में है, जैसे वो नेपाल में है और उसकी हाइट क्या है। तो सेकंड पीक जो कंचनजंगा है वो इंडिया में है और उसकी हाइट है, ऐसे हमारा मकालू है, धौलगिरी है, नंदा पर्वत है, अन्नपूर्णा, फिर वो नेपाल में है, फिर नंदा देवी हमारे इंडिया में है, कैमेट हमारे इंडिया में है, नमचा बारवा इंडिया में है, फिर हमारा गोरल्ला मदाबा जो है वो नेपाल में है। तो मैं अपने बच्चों से ये चाहती हूँ कि हमने ये दिखाया कि ये पीक्स हैं, कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं इस रीजन में और वो कंट्री में हैं और साथ ही उनकी हाइट ये है, लेकिन हमारे बच्चे ये पता लगाएं कि हिंदुस्तान के किस राज्य में है। अगर मान लीजिए कुछ पीक जो हैं किसको बॉर्डर कर रही हैं, नेपाल को कर रही हैं, तिब्बत को कर रही हैं, और उनका अगर देखें वर्ल्ड मैप में उनका क्या रैंक है, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट हम कहते हैं हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना, तो हम कंचनजंगा को कहते हैं थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो बाकी भी हमारे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका वर्ल्ड के मैप में कहाँ उनका रैंक होता है। अगर ये इस रीजन में हमारी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, तो वो एक लिस्ट बनाएं, क्लास में डिस्कस करें, और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में कैसे वो हाईएस्ट है, उसके वहाँ के लोगों की लाइफ के साथ उसका किस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे जैसे उनकी हाइट कम होती जाती है कैसे वो लोगों की लाइफ को, ट्रांसपोर्टेशन को, वहाँ के रिवर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। आई थिंक चिल्ड्रन दे शुड get the information and they should discuss in the classroom. Absolutely. ये तो बहुत अच्छा होमवर्क है, आप एक लिस्ट बना सकते हैं जैसा कि मैम ने बोला। मैम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ वेदर कैसा है, अलग अलग पीक्स पर वेदर कैसा है, और कितना कितना हमारा लेयर स्नो का होता है ना उस हाइट पे, कितनी उसमें सनलाइट से कितना हमारा ग्लेशियर में एज रिवर आता है, कितना पानी का किस तरीके का है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड आइडिया फॉर द चिल्ड्रन, दे शुड नो ऑल द इम्पॉर्टेंट पीक्स दैट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, है ना, वो किस कंट्री में हैं, उनकी हाइट क्या है, उसके सराउंडिंग का कैसा क्लाइमेट है, कैसे लोगों की लाइफ पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, दे शुड नो, दे शुड कलेक्ट एंड शेयर इन द क्लास। बिल्कुल, तो ये आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लिस्ट बनाइए, फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन पीक्स के बारे में जान सकते हैं, और ये होमवर्क करके हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कभी 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 हम सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पहले इतनी थी, अब थोड़ा कम हो गई है, है ना, तो बच्चे बाकी पीक्स के बारे में भी जाने, और जाने कि ये कम हो रही है, क्यों हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हम कहते हैं ना कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने लगा तो उससे बर्फ़ पिघलने लगती है, मेल्ट हो रही है, तो चिल्ड्रन दे शुड नो ऑल दीज थिंग्स एंड दे शुड रियलाइज दैट व्हाट इट रियली अफेक्ट्स इफ वी इंटरवीन, और इफ वी रियली यू नो दीज पीक्स रियली इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, एंड सो व्हाट इज आवर रोल टू प्रोटेक्ट दीज
what's the role of a common man? What's the role of an environmentalist? Climate change, how is it affecting us? घूम फिर के ये topic climate change पे आ जाता है, weather पे आता है, environmental conditions पे आता है. तो ये इनके इन हिमालयन पीक्स के बारे में जानना हमारे बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये पूरा रीज़न हिमालयन माउंटेन्स है ना, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हम जानना चाहते हैं कि ग्रेटर हिमालय, जिसकी हम हिमाद्री की बात कर रहे हैं, उसका क्या है. पहले ही हमने आपको बताया कि दे आर नोन एज फोल्ड माउंटेन्स है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड माउंटेन है, ये तो सभी में क्लियर है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है. तो अब बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या फ़र्क है. नहीं तो हम कहते हैं सिमेट्री है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, यहाँ सिमेट्री नहीं है. कहीं आपको फोसिल मिलते हैं, कहीं आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं हाईएस्ट पीक्स मिलती हैं, कहीं लो है. तो ये देयर इज़ नो सिमेट्री इन दिस ग्रेटर हिमालय, असिमेट्रिकल है. जैसे शंख होता है ना, शंख ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऊपर का पार्ट बड़ा है, बीच छोटा होता जाता है. तो ऐसे ही ये रीजन भी जो है हमारा असिमेट्रिकल है. और कोर इस रीजन का जो कोर है वो ग्रेनाइट है इन नेचर. ओके, मतलब बहुत हार्ड नहीं है. जैसे हम अरावली को कहते हैं कि हार्ड रॉक्स हैं, लेकिन ये क्या है, क्योंकि कहते हैं डिप्रेशन से बना है, फोल्ड से बना है, हमारी अर्थ का कहीं अपर का पार्ट जो है वो फोल्ड होता गया, तो उसमें तरह तरीके का डिपोजिशन था, थिक डिपोजिशन था. तो वो डिपोजिशन से जब ये बना तो इसमें आपको वेराइटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. तो इसका जो हम कहेंगे दिस पार्ट इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट. देन बर्फ, कहते हैं ये तो बर्फ का एक छाता है, बर्फ ही बर्फ है, नोन एज अवॉर्ड ऑफ स्नो. और बर्फ होना मींस हमारे बहुत सारे हम ये कह सकते हैं डीप वैली ग्लेशियर्स हैं, हमें बहुत पानी मिलता है, वाटरफॉल्स हैं. तो ये एरिया जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द आर कंट्री, जो ग्रेटर हिमालय का है, हमको बहुत कुछ यहाँ से मिलता है. फिर जब यहाँ से डीप हमारे आ रहे हैं वैली ग्लेशियर्स, तो बहुत सारा पानी भी हमको मिलता है. जब हमारा ये डीप ग्लेशियर पानी लेकर हमारी नदियों तक आते हैं, तो वी ऑल नो कि पानी की क्या वैल्यू है. ह्यूमन लाइफ पूरी वैल्यू जो है वो पानी पे है, हमारा खेती पानी पे है. तो इस रीजन से जो हमको मिल रहा है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते. बर्फ है और साथ में फॉरेस्ट हैं, हमारी वैली हैं, हमारी पीक्स हैं, हमारे बहुत सारे सुंदर सुंदर एरियाज हैं, कश्मीर वैली की बात करें हम, तो बहुत सारी चीज़ें. ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स ऑफ आर कंट्री. एब्सोल्युटली, जिस पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड करेगा वो तो इम्पॉर्टेंट होगा ही. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब सेकंड जो इसी में आता है, हिमालयन माउंटेन का जो सेकंड पैरेलल रेंज है हमारी, उसको हम कहते हैं लेसर हिमालय. ग्रेटर हिमालय हाईएस्ट पीक्स हैं, बड़ी बड़ी पीक्स हैं, बर्फ से ढकी हुई हैं, लेसर हिमालय. अब जो हिमाद्री के साउथ की जो रेंज है, अभी हमने आपको बताया कि आँख है, ऊपर का पार्ट ग्रेटर हिमालय है, उसके जो साउथ की रेंज है उसको हम कहते हैं लेसर हिमालय. तो अब जब लेसर हिमालय अगर हम बात करें तो हम क्या करें, अभी ये जो रेंज है ये भी बहुत सारी रॉक्स से इट इज़ मेड ऑफ कंपोज्ड बाय मेनी रॉक्स. तो ये अल्टर्ड रॉक्स हैं कि लेसर हिमालय में हमारे ऊपर से बहुत कुछ मटेरियल आ रहा है, आते आते कुछ नीचे से जा रहा है तो जमाव हो गया. तो अल्टर्ड रॉक्स हैं, मतलब मिक्स कह सकते हैं हम, फोल्डेड हैं लेकिन मिक्स्ड रॉक्स हैं. और लेकिन इस पार्ट का जो अल्टीट्यूड है, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया कि एवरेज है 6000 मीटर तक है, लेकिन इस पार्ट में जो अल्टीट्यूड वेरीज करता है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक करता है. वो तो हाईएस्ट पीक्स हैं हमारी जो 7620 और एवरेज 6000 मीटर तक है, लेकिन लेसर हिमालय में जो हमारी पीक्स की ऊंचाई है वो हमें देखने के लिए मिलती है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक.
अब उसके साथ साथ मैंने आपको वहाँ बताया था कि हमारी हिमालयन रीजन की जो हमारी बेड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में ज़्यादा है, अरुणाचल में पहुँचते पहुँचते 150 रह जाती है। जो लेसर हिमालय है यहाँ एवरेज बेड्थ जो है हमारी 50 किलोमीटर है, काफ़ी कम हो जाती है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी हमारा लेसर हिमालय में हिमाद्री के जो साउथ रेंज है वहाँ कम हो जाती है, 50 किलोमीटर तक हमारी होती है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट हमारी पीक्स हैं, हमारा रेंज है, हमारी लॉन्गेस्ट जो है पीर पंजाल है। बच्चों ने पढ़ा भी होगा कश्मीर के जो रीजन में है हमारा पीर पंजाल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रेंज है पीर पंजाल की, क्योंकि हाईएस्ट पीक्स में एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जो लेसर हिमालय है इसमें हमको एक्सेसिबिलिटी थोड़ा कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। तो पीर पंजाल का जो रीजन है वहाँ आपको पॉपुलेशन एक्सेसिबिलिटी ईजिली हो जाती है, और पीर पंजाल हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज है दैट लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो अदर इसमें आप बच्चों ने सुना होगा धौलाधार है, महाभारता रेंजेस है। तो अब बच्चों को ये चाहिए कि मैप में ये देखें हमारा कौन सी स्टेट कवर कर रही है, इनकी हाइट कितनी है, और इसके रहने वाले आसपास के लोगों की लाइफ कैसे इन रेंजेस पे डिपेंड करती है। देखिए आप बिल्कुल टॉप में देख रहे हैं कश्मीर के पास पीर पंजाल रेंज है, उसके बाद आप धौलाधार रेंज है, महावारा रेंज है। तो आप बच्चों को ये चाहिए कि पता लगाएं कि इन ये जो रेंजेस हैं इनकी हाइट क्या है, और ये कौन कौन सी इसके साथ बसी हुई वैली रीजन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ एक्सेसिबिलिटी है, लोग किस तरीके से रहते हैं, लोगों का क्या खान पान है, और पानी का सोर्स क्या है, कैसा है। तो कंपैरेटिवली बच्चों को पता चलता है कि किस तरीके से ये जो रेंजेस हैं हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, और इन रेंजेस को बचाना हमारा कैसे कर्तव्य है, व्हाट इज आर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व ऑल दिस रेंजेस। फिर ये इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने जैसे पहले आपको बताया था, तो इसमें भी हमारी जो फेमस वैली है कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कांगड़ा और कुल्लू कहाँ है बच्चों को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो ये हमारा कश्मीर रीजन में है, जम्मू कश्मीर रीजन है। और ये सभी जो हैं बड़े वेल नोन हिल स्टेशंस हैं, हम मानते हैं कि हिल स्टेशंस हैं, हम जाना चाहते हैं, टूरिज्म के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हमारी ड्यूटी क्या है ना। तो व्हाट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वी कैन प्रिजर्व आर दिस रेंजेस। तो थर्ड हमारा है, हमारा जो हम कहते हैं इसको आउटर मोस्ट रेंज, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, अब हमारा इसको हम शिवालिक भी कहते हैं। ओके, थर्ड वन जो है हमारा शिवालिक भी कहते हैं। अब आप उन्हीं पॉइंट के साथ कंपेयर कीजिए, हमने वहाँ कहा कि बेड्थ जो है धीरे धीरे कम हो रही है, लास्ट टाइम 50 किलोमीटर थी, अभी इसमें हमारी बेड्थ कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक रह जाती है, लेकिन बहुत धीरे 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 वो 50 किलोमीटर है एंड अबव है, यहाँ 10-50 किलोमीटर है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं लेसर हिमालय, अब हम कहते हैं आउटर रेंज ऑफ हिमालय। अब यहाँ भी देखिए, पहले मैंने कहा अल्टर्ड कॉम्पोजिशन है, यहाँ भी जेड़ा हमारा अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, उसका क्या मतलब है कि अपर पार्ट से नदियाँ लाती हैं बहाकर धीरे धीरे जमाव करती हैं, तो उस जमाव से कुछ तो नीचे से हमारा होता है डिप्रेशन से, और कुछ उस जमाव से जो हमारी सेडिमेंट्स बनता है उससे बनी हुई ये हिमालयन रेंजेस हैं। और ये यहाँ क्योंकि नदियों द्वारा लाया गया सेडिमेंट जमता है, तो बहुत अलूवियल सॉइल्स मिलती है हमको, सैंड मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये जो हमारा शिवालिक रीजन्स है, आप देखेंगे अगर लॉन्गिट्यूडनल वैली जो हम यहाँ देखें हिमालय में, दूनस हैं, जैसे देहरादून है ना, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे हमने कहा कुल्लू है, मनाली है, हमारा कश्मीर वैली है, तो यहाँ भी जो हमारे वैलीज हैं, देहरादून है ना, फिर हमारे साथ कोटली दून है, फिर हमारे साथ पाटली दून है, ये वेल नोन प्लेसेस हैं। लेकिन बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो भी हमारे हिल्स में हमारी वैलीज हैं, वैली रीजन है, कि उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि प्लेन्स में रहने वाले लोगों की लाइफ भी उन्हीं पर डिपेंड करती है जी। तो इनके ये जो हिल स्टेशंस हैं जहाँ आप टूरिज्म के पर्पस से जाते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, वहाँ पर आप जाकर ये भी जानिएगा कि उसकी स्पेशियलिटी क्या है,
और लाइफ कैसे कैसे एक दूसरी वैली से कैसे बदलती है, कैसे जुड़ी हुई है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारे फूड हैबिट्स हैं, क्या हमारे बिलीफ्स हैं, क्या हमारे कस्टम्स हैं। बच्चे, मतलब हम कहते हैं कि बच्चे एक के साथ, एक चैप्टर के साथ जोड़कर दूसरे चैप्टर सीख सकते हैं जी, वही तो मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा। तो ये आज के लिए हम हमने बहुत कुछ सीखा है फिज़िकल फीचर्स के बारे में ऑफ इंडिया, स्पेशली पीक्स, जो हाईएस्ट पीक्स, और मैम ने जो आपको होमवर्क दिया है, उम्मीद करते हैं जब हम नेक्स्ट सेशन इसका इसमें लेकर आएंगे। एक पॉइंट में कि ये तो हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल है, हिमालय का रिवर बेसिन के मुताबिक भी हम डिवीजन करते हैं। ओके, तो हम अगले में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम करते हैं। बिल्कुल, तो हम इसी को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और बहुत कुछ है फिजिकल फीचर्स के बारे में जानने के लिए। तो आप भी अपने एंड से रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ख़त्म करने से पहले मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम, आप हमारे दर्शकों को कुछ ख़त्म करने के लिए पोइम या कुछ भी। ओके, छोटा सा हम देखिए, हमने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी को लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया था, उसमें हमने एक लैंडफॉर्म का चैप्टर डाला था। तो हमने अपने बच्चों को सोचा था कि कुछ मज़ा लेकर ज्योग्राफी को सीखें, तो वार्म अप एक एक्सरसाइज डाली थी। हमने उसमें लिखा है, जग में सबका रिश्ता सबसे, कौन कहाँ जा मिलता किससे, ऊँचे पहाड़ की बर्फ़ है घुलती, नदी बनकर सागर में मिलती, दो पहाड़ के बीच की माटी, कहते हैं हम उसको घाटी, जब सीधी चपटी दिखे जमीन, समतल धरती बने वही, उबड़ खाबड़ छोटे पहाड़, कहते उस धरती को पठार। अगली बार सीखेंगे क्या होता है पठार। इतने सारे रंग की धरती, सोचो कितने ढंग की धरती। ये हमारे साथ एक लड़का चंद्रिका काम कर रहा था, चंद्रिका पांडे, ये उसकी लिखी हुई एक हम कहेंगे छोटा सा लिखा हुआ एक पहरा है, जो कि हमारी ज्योग्राफी के साथ जुड़ता है। और मैं चंद्रिका का भी शुक्रिया अदा करती हूँ एनसीईआरटी को ये देने के लिए, और आप लोगों से चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए लोकल लेवल पे कुछ पोइट्री बनाइए और क्लासरूम में डिस्कस कीजिए, जिससे हमारे बच्चे रिलेट कर पाए। बिल्कुल, इससे मैम हमारे दर्शक ज़रूर इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बहुत ही छोटी सी क्लास को लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थैंक यू सभी को बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे अपना वेबिनार लेकर, और बातचीत होगी साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पर। तो अपने सवाल तैयार रखिएगा और हमें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।